मैं अशोक कुमार हिंदी विभाग से टीचर्स वॉइस यूनाइटेड फ्रंट की ओर से अध्यक्ष पद के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। हमारा ग्रुप जो है इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहा है। जो आपने पूछा है कि नया क्या है, हमारे पास सारी चीज़ नहीं है। जो जो मुद्दे लेके हम आ रहे हैं वो मुद्दे कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन 71 दिनों से हम जो लगातार गांधी भवन के पास जाकर शांतिपूर्वक तरीके से जो मोमबत्ती को जलाकर हम अपनी बात रख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण उसको लेके और कहीं ना कहीं ये ग्रुप जो अस्तित्व में आया है वहीं से खड़ा हुआ है। हम बिल्कुल उस तरीके से चल रहे हैं, किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहे हैं, सभी का मान सम्मान करते हुए अपने जो हितों की जो लड़ाई है, अपने हित यानी पूरी टीचर कम्युनिटी के जो हित हैं उसमें एक व्यक्ति विशेष के हित नहीं है। अगर पूरी कम्युनिटी अगर साथ दे के अगर इस बदलाव को लेके आती है तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें रुकी हुई है और सबसे बड़ी जो चीज़ रुकी है, मैं आपसे जो डिस्कस किया है कि जो रिटायरमेंट के पास आके जो हमारी सबसे जिल्लत का जो काम भोगना पड़ रहा है और टीचरों को जो है कोर्ट में जाके जो स्टे लेना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है अगर पूटा प्रेशर ग्रुप हो और एक उसकी जो भूमिका है पूटा की अगर वो ईमानदारी से कहीं निभाती है तो मुझे लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर को जो है कोर्ट में जाके स्टे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो काम पूटा अपने प्लेटफार्म को लेकर पूटा अपने प्रभाव में आकर क्या है उस काम को कर सकती है। दूसरा जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण बताया आपको, जब व्यक्ति जब उसको अलग जिम्मेवारी मिलती है, जब अलग जिम्मेवारी में जैसे अलग जिम्मेवारी 3 साल के लिए हमें चेयरपर्सन बनाया जाता रोटेशन में, और जब वो चेयरपर्सन बनता है उसने अपनी क्लास भी लेनी है, उसने अपना रिसर्च भी करना है, उसके बाद में उसने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अपना वो काम भी करना है, लेकिन वहाँ जो ऑफिस स्टाफ की जो समस्या है या ऑफिस का जो सिस्टम बना दिया गया है वो ऐसा है कि जहाँ छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं वहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ स्टाफ ही नहीं है पूरा, और यहाँ तक कि कई चेयरपर्सन जो है जो सबसे जो एक निचला जिस तरह से हमारे पास पीएन है, हमारे पास दफ्तरी है, हमारे पास और दूसरा स्टाफ है, वो भी ना होते हुए एक चेयरपर्सन जो है अपनी मीटिंग भी कर रहा है, एक चेयरपर्सन अपनी क्लास भी ले रहा है, एक चेयरपर्सन अपने रिसर्च के लिए भी लग रहा है, और चेयरपर्सन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी अटेंड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर पूटा पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर जो है हमारे साथी अगर हम पर विश्वास जताते हैं, मैं ये कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि जो समस्याएं पंजाब यूनिवर्सिटी में आज खड़ी हो गई हैं जो नहीं खड़ी होनी चाहिए थी। पंजाब यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, कब से चली आ रही है, 4th-5th यूनिवर्सिटियों में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम है, लेकिन यहाँ आते और सबसे बड़ा शुभ संकेत मैं माननीय वाइस चांसलर रेणु विज जी के नेतृत्व में जो पहले भूमिका बनी और आके प्लस प्लस जो रैंकिंग मिली है ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन भीतर जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उनको हम ईमानदारी से लेके आएँ और जो एक गैप जो है, एक दूरी जो खड़ी हो गई है टीचर के बीच में, एक असिस्टेंट है, एक एसोसिएट है, एक प्रोफेसर जो है, उसके बाद अलग अलग पद जो बना दिए गए हैं वहाँ जो एक दूरी एक गैप जो आ गया है, पूटा का काम सबसे बड़ा यही काम होता है कि वो पूटा टीचर के पास जाए, टीचर के बीच में अगर कोई समस्या है उसको सुलझाए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वाइस चांसलर के साथ, रजिस्ट्रार के साथ, कंट्रोलर के साथ, जितने भी महत्वपूर्ण पद है, DHW के साथ, सभी के साथ मिलकर एक उसकी जो भूमिका है पॉजिटिव की वो लेके चले, तो मुझे लगता है पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल जो सबसे बड़ी बात थी जो NACBI टीम कह के गई है कि ट्रैफिक की जो समस्या है वो भी समस्या हल हो सकती है, पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर जो 1365 से आके और आज 600 पे खड़े हो सकते हैं हो गए हैं, वो जो भर्ती जो है, विज्ञापन जो बार बार हो रहे हैं, पोस्टें नहीं आ रही है, बच्चे जो है कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं सर कि जहाँ एक भी टीचर नहीं है परमानेंट, आप कल्पना करके देखें। तो पूटा अगर मेरे टीचर साथी अगर हमें ग्रुप को पूरे विश्वास में लेके आते हैं तो मैं ये आपके साथ 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये पूटा मीन पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की पूटा, अगर हमारे नेतृत्व में वो विश्वास करते हैं तो हम वो काम कर सकते हैं जो आज तक नहीं हुए या रोक दिए गए हैं या वो काम थे ही नहीं वो बना दिए गए हैं, इस तरह से हम करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ टीचर के साथ। अभी पिछले दिनों जो है 53 या 56 पोस्टें जो हैं हमारे यहाँ आई थी असिस्टेंट की, एसोसिएट की, उसकी प्रक्रिया जो है उसकी जो स्क्रीनिंग जो होती है वो लगभग जो है पूरी हो चुकी है, कुछ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में अगर कोई प्रॉब्लम ना आई तो वो पद भरे जाएंगे, उसके बाद भी जो यहाँ खाली पद जो हैं
माननीय वाइस चांसलर रेणु जी लगे हुए हैं वो भर्ती करने के, लेकिन वो भर्ती तब होगी जब माहौल आपका पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ एसोसिएशन अगर पॉजिटिव आ जाए, टीचर को साथ लेके मैडम वाइस चांसलर के साथ अगर मिलके सहयोग से काम करती है, मुझे लगता है पंजाब यूनिवर्सिटी की टीचर की जो कमी है वो भी दूर हो सकती है, यहाँ कैंपस में और छोटी मोटी समस्याएं वो भी दूर हो सकती है, और हमारी फाइनेंस की जो समस्या नहीं है, समस्या बना दी गई है जो है, हमने किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ नाम नहीं रखा है, हमने इसलिए टीचर्स वाइस यूनाइटेड फ्रंट जो है नाम रखा है कि पूरे टीचर कम्युनिटी की आवाज़ जो है हमें, अगर वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो हम उनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि हम वो चीज़ें देख चुके हैं, हमने भोगी थी वो चीज़, एक डेढ़ साल के लिए आए हम यहाँ, कोई 25 साल सेवा नहीं करनी हमने कि लगातार रहेंगे कि बार बार कोटा में आएंगे, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। हमें अगर विश्वास में लेकर आते हैं ये जो 8-9 महीने जो हमारे पास होंगे, ये मान के चलें हमारा जो विजन है, हमारा जो लेके चले हैं हम, उसमें कामयाब तब होंगे जब टीचर साथी साथ देंगे, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से हम ग्राउंड में निकले हैं, फील्ड में निकले हैं, हमें जो सहयोग मिल रहा है, बदलाव आएगा, प्रकृति का नियम है, बदलाव तो आएगा, पक्का आएगा।